हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू प्रभाला क्लासेस आज हमारा टॉपिक है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट देखिए ऐसा नहीं था कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट यानी कि माल विक्रय अधिनियम से पहले जो सेल को गवर्न करने वाले कोई रूल और रेगुलेशन नहीं थे हमारे भारतीय संविदा अधिनियम 1872 1872 में चैप्टर सेवन में सेक्शन सेवेंटी सिक्स से वन ट्वेंटी थ्री तक रिलेटेड प्रोविजन दिए गए थे चैप्टर को रिपील करने के बाद ही हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एग्जिस्टेंस में आया था यहां पे मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे चैप्टर्स मेंशन किए हुए हैं यहाँ दो चैप्टर मैंने हाईलाइट किए हुए हैं पहला है चैप्टर सेवन जिसको रिपील करके सेल्स ऑफ गुड एक्ट पास किया गया और दूसरा है चैप्टर इलेवन जिसको रिपील्ड कर करके पार्टनरशिप एक्ट 1932 पास किया गया अगर सेल्स ऑफ एक्ट की हम बात करें, तो इसको शॉर्ट में एस ओ जी ए सोगा भी बोलते हैं ये फर्स्ट जुलाई 1930 को एनफोर्स हुआ अगर देखा जाए तो इसमें टोटल 66 सेक्शंस हैं। इसमें हमारे सेवन चैप्टर्स भी हैं जिसमें फर्स्ट चैप्टर आपका प्रलिमिनरी है प्रारंभिक जिसमें कि शॉर्ट टाइटल लॉन्ग टाइटल डेट ऑफ एनफोर्समेंट और उसका एक्सटेंशन यानी कि विस्तार कहाँ कहाँ तक है हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का और जो डेफिनेशन क्लॉजेस हैं सेक्शन टू में वो सारी इसमें मेंशन किए गए हैं सेकंड हमारा चैप्टर टू है फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है उसका फॉर्मेशन किस तरह से किया जाता है नेक्स्ट चैप्टर थर्ड है कि इफेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कि जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का फॉर्मेशन हो चुका है तो अब उसका क्या इफेक्ट होगा नेक्स्ट चैप्टर फोर है कि जब हमारा फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो अगर कोई पार्टी उसका परफॉर्मेंस नहीं कर रही है तो फिर क्या हमें रेमेडीज दी गई हैं नेक्स्ट है आपका राइट ऑफ अनपेड सेलर के जो असंत विक्रेता है उसके क्या अधिकार हैं नेक्स्ट चैप्टर आपका चैप्टर सिक्स है सूट फॉर द द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर दोनों पार्टी में से कोई भी पार्टी अगर जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है उसका ब्रीच करती है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उस पर किस तरह से सूट उसके अगेंस्ट फाइल की जा सकेगी चैप्टर सेवन आपका मिसलिनियस प्रोविजन बताता है आज हम जो डिस्कस करेंगे वो चैप्टर टू यानी कि फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है क्रेता सावधान का जो नियम है और उसके जो अपवाद हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देख लेते हैं कि सेक्शन फोर क्लॉस वन में डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहती है कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गोड इज अन्ट्रैक्ट वे आर बाय द सेलर ट्रांसफर और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स टू बायर फोर अ प्राइस यानी की अंट्रैक्ट ऑफ सेल जो विक्रय की संविदा है वह एक ऐसी संविदा है जहां पर जो सेलर विक्रेता होता है वो ट्रांसफर करता है या फिर ट्रांसफर ट्रांसफर या कि अंतरण करने के लिए सहमत होता है किसी अपनी प्रॉपर्टी को जो कि वो गुड्स जो भी गुड्स है प्रॉपर्टी है तो किसे बायर को पूरा प्राइस एक मूल्य पर अगर हम थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री में अगर जाते हैं तो जो हमारा वर्ड इंडियन है has been removed on 22nd September 1963. 1963 से पहले जो हमारा, जो हमारा आपका sales of goods act है, वो कहलाता था, लेकिन 22 सितंबर 1963 में उसमें से इंडियन वर्ड हटा दिया गया अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे द डॉक्टर द डॉक्टर इज एन इंट्रीगल पार्ट ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो डॉक्ट्राइन ऑफ डॉक्टर है हमारा क्रेता सावधान का जो सिद्धांत है वो सेल्स ऑफ गुड्स माल विक्रय अधिनियम का एक अभिन्न भाग है इट टू लेट द बायर कहता है कि जो बायर है क्रेता है उसको हमेशा सावधान रहना चाहिए सचेत रहना चाहिए इट इज स्पेशली इन सेक्शन सिक्सटीन ऑफ द एक्ट ये जो हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है उसके सेक्शन सिक्सटीन में ये सिद्धांत आपका दिया गया है गुड अवेलेबल द ओपन मार्केट एक विक्रेता का जो गुड्स होता है वो ओपन मार्केट में अवेलेबल होता है यानी कि सभी उसको देख और खरीद सकते हैं द बायर प्रिव्यू ऑल हिज ऑप्शन एंड देन अकॉर्डिंगली मेक इज चॉइस जो बायर होता है वो उसे उसके पास ये चॉइस होती है कि वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग उसे अच्छे से देख ले जो भी उसके पास जितने ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है उटेक्टिव इंफीरियर क्वालिटी मान लीजिए कि जो प्रोडक्ट है वो डिफेक्टिव निकल जाता है या फिर जिस क्वालिटी का उसे चाहिए उसे वो इनफीरियर क्वालिटी का निकल जाता है तो वहां पर दिस डॉक्ट्राइन से वहां पर हमारे ये जो कैबिट एम्पूटर का डॉक्ट्राइन है वो कहता है

जब भी वो चूज कर रहा हो कोई गुड्स को इट इज़ द ड्यूटी टू द बायर यहाँ पे ड्यूटी बनती है बायर की वो चेक कर ले क्वालिटी को और उसकी यूजफुलनेस को जो भी वो प्रोडक्ट परचेज कर रहा है इफ़ प्रोडक्ट टर्न्स आउट द डिफेक्टिव अगर वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकल जाता है या फिर उसकी गुणवत्ता है वो सही नहीं निकलती है तो वहां पर सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा नहीं होगा However, the buyer can shift the responsibility to the seller if the three following conditions are fulfilled. लेकिन यहाँ पर फिर भी जो buyer है यानी कि क्रेता है वो responsibility shift कर सकता है seller के ऊपर कब अगर ये तीन conditions हैं तो पहली condition क्या है If the buyer shares with the seller his purpose for the purchase. अगर जो buyer है क्रेता है उसने अपना जो पर्पस है जिस पर्पस के लिए उसे वो गुड्स चाहिए वो पर्पस उसने सेलर को बता दिया था और उसके बावजूद भी सेलर ने उसे जो है उस पर्पस के अकॉर्डिंग जो है गुड्स प्रोवाइड नहीं कराया नेक्स्ट है बायर रिलाय ऑन द नॉलेज एंड और टेक्निकल एक्सपर्टीज ऑफ द सेलर जहां बायर जो सेलर है यानी कि जब जो क्रेता है वो विक्रेता के नॉलेज यानी कि ज्ञान पे उसे पूरा भरोसा होता है यानी कि उसकी जो टेक्नोलिटी है यानी कि वो उसी चीज को बनाता है और वो रिपेयर वही चीजें करता है तो उसके नॉलेज पे वो रिलाई कर रहा है वहां पर तो वहां पर भी क्या लाइब्रेटी आ जाती है सेलर की नेक्स्ट है आपका एंड सेलर सेल सच गुड्स और जहां पर जो सेलर है वो सिर्फ वही गुड्स सेल करता हो जो बायर को चाहिए और वहां पे अगर बायर फिर अपना पर्पस भी नहीं बताता है तो वहां पर भी बायर लाइबल नहीं होगा क्यों क्योंकि वो सेलर जो है वो सिर्फ वही गुड्स सेल करता है जो कि बायर को चाहिए नेक्स्ट हमारे एक्सेप्शन ऑफ द डॉक्टर ऑफ कैबे टेम्पर कृता सावधान के अपवाद उसमें पहला कौन सा है हमारा फिटनेस ऑफ प्रोडक्ट

A B के पास जाता है एक बाइस्किल परचेज करने ही इनफॉर्म्स B वह B को यह बताता है कि ही वांट्स टू यूज द साइकिल फॉर माउंटेन राकिंग कि उसे जो है जो कि जो पर्वतों की ट्रैकिंग होती है उसके लिए उसे वो साइकिल चाहिए इफ B सेल्स हिम एन ऑर्डिनरी बाइस्किल अगर यहाँ पर जो बी है उसको ऐसी बाइक्स सेल करता है दैट इज इनकैपेबल टू फुलफिल एज़ पर्पस फॉर द सेलर विल बी रिस्पांसिबल कि एक सिंपल सी से साइकिल वो उसको सेल कर देता है जो कि उसके पर्पस को फुलफिल ही नहीं कर पाए तो वहां पर क्या है वहां पर सेलर रिस्पांसिबल होगा क्यों क्योंकि ए ने बी को बता दिया था कि उसे माउंटेन ट्रैकिंग के लिए बाइस्किल चाहिए वहां पे अगर वो उसको एक साम्पल, सिंपल सी ऑर्डिनरी बाइस्किल दे देता है तो वहां पर जो ड्यूटी है वो किसकी होगी विक्रेता की नेक्स्ट गुड सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन वेयर द गुड्स बेस्ड ओनली ऑन द डिस्क्रिप्शन देर विल बी एन एक्सेप्शन इफ द गुड्स डो नॉट मैच द डिस्क्रिप्शन सेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द गुड्स अगर जो गुड्स सोल किया गया है वो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग यानी कि जैसा की डिस्क्रिप्शन उसने बताया था सेलर ने बायर को और उस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जो बायर है उसने गुड्स परचेज किया था लेकिन वो जो गुड्स है वो उस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग नहीं बाद में निकलता है तो वहां पर क्या होगा वहां पर सेलर रिस्पॉन्बल होगा उस गुड्स के लिए नेक्स्ट गुड्स ऑफ क्वालिटी सेक्शन 16 क्लॉज 2 डील्स विद द एक्सेप्शन ऑफ द मर्चेंटेबल क्वालिटी द सेक्शन स्टेट दैट द सेलर हु इज सेलिंग गुड्स बाय द डिस्क्रिप्शन हैज अ ड्यूटी टू प्रोवाइडिंग गुड्स ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी यहां जहां पर जो सेलर है उसने डिस्क्रिप्शन के द्वारा ये बताया है कि गुड जो है मर्चेंटेबल क्वालिटी का है लेकिन वो मर्चेंटेबल क्वालिटी का नहीं होता है तो वहां पे भी ड्यूटी पे करती है सेलर पे मर्चेंटेबल क्वालिटी का मतलब होता है कैपेबल ऑफ पासिंग द मार्केट स्टैंडर्ड की जो मार्केट का एक स्टैंडर्ड होता है वो उसकी कैपेबल है या नहीं सो इफ द गुड्स आर नॉट

दिस एक्सेप्शन विल नॉट अप्लाई लेकिन जहां पर बायर के पास ये रिजनेबल युक्त तो चांस था मौका था कि वो एग्जामिन कर सके वो पता लगा सके उस प्रोडक्ट का कि वो मार्केटेबल क्वालिटी का है या नहीं है लेकिन उसने ऐसा नहीं किया तो वहां पर यह एक्सेप्शन जो है वो बायर को नहीं दिया जाएगा यानी कि वहां पर बायर ही रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा नेक्स्ट है बाइ सैंपल इफ द बायर बाइस हिस्स गुड्स आफ्टर एग्जामिन सैंपल देन द रूल ऑफ डॉक टाइम ऑफ कैट एम्प विल नॉट एप्लाई जहां पर बायर ने जो गुड्स परचेज किया है उसका एक सैंपल को अच्छे से जांच लिया है और उस सैंपल के अकॉर्डिंग ही वो क्या कर रहा है बाकी के गुड्स परचेस कर रहा है तो वहां पर बाकी के जो गुड्स वो परचेस कर रहा है सैंपल के अकॉर्डिंग अगर वो सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं बाद में मिलते हैं उसको तो वहां पर जो बायर है वो लाइबल नहीं होगा इफ द रेस्ट ऑफ द गुड डो नॉट रिजेंबल द सैंपल द बायर कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इन दिस केस द सेलर विल बी दन रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर जो सेलर होगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर एग्जाम्पल अ प्लेस एन ऑर्डर ऑफ फिफ्टी टॉयज कार्स ए जो है वो फिफ्टी जो टॉयज कार है कार की जो टॉयज होते हैं उनका जो वो ऑर्डर करता है बी से

और यहां पर जो बी है सेलर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा क्यों क्योंकि उसने जो सैंपल दिखाया था उस सैंपल के अकॉर्डिंग जो बाकी के गुड्स थे वो नहीं थे नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ ट्रेड देर इज एन एम्प्लाइड कंडीशन ऑफ वारंटी अबाउट द क्वालिटी और द फिटनेस ऑफ द गुड और प्रोडक्ट कि जो गुड्स और प्रोडक्ट है वो सही होगा उसकी क्वालिटी अच्छी होगी ये एक इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटी मानी जाती है अगर आप कोई गुड्स परचेस कर रहे हो उसके अंदर बट इफ सीज टू अप्लाई लेकिन अगर यहाँ पर जो सेलर है चूक कर जाता है वहां पर जो कैवेट एम्पटर का रूल है वो अप्लाई नहीं होता है फॉर एग्जाम्पल ए ब्रॉड गुड्स फ्रॉम बी इनर auctions ऑफ द कंटेंट्स ऑफ अ शिप ए बी से कुछ कंटेंट्स कुछ uh, सामग्री ये कह दें या इंटरनल पार्ट्स जो हैं किसी शिप के वो एक auction में एक नीलामी में purchase करता है किससे बी से ए बट बी डिड नॉट इन्फॉर्म बट यहां पर बी इन्फॉर्म नहीं करता है ए को द कंटेंट सी डैमेजेस कि जो वो समुद्र के पार्ट यानी कि जो शिप है जहाज है उसके जो वो पार्ट्स उसको सेल कर रहा है वो क्या है सी डैमेजेस यानी कि एक डैमेज शिप uh, के जो कि सी से डैमेज हो चुका था उस ऐसे शिप के वो क्या है कंटेंट है उसके पार्ट है एंड सो द रूल्स ऑफ डॉक्ट्राइन विल नॉट अप्लाई हेयर

If the any fact, अगर जो सेलर है, वो लाइबल तो तो नहीं होगा इन बोथ केसेस द सेलर विल बी गिली पार्टी वहाँ दो ऊपर की जो दोनों कंडीशन हमने बताई है चाहे वो फ्रॉड से उसकी कंसेंट ली हो या फिर कंसील किया हो मेटीरियल फैक्ट को जो गुड से रिल था। उसमें सेलर ही गिल्टी होगा इनकी सेलर ही रिस्पॉन्सिबल होगा तो फ्रेंड्स ये था हमारा कैबे टैम्पटा उसके एक्सेप्शन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बाय बाय टेक केयर